लूका 19वां अध्याय 1-10 तक पढ़ेंगे। लूका 19:1-10। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना 6 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र कोई गुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रिय भाई बहनों, इस जगह में जक्कई के बारे में हम पढ़ते हैं। जक्कई का बारे में एक संभव, कैसे वो मन फिराया, वो इतना एक अच्छा संभव है। प्रभु को जक्कई के बारे में हमको मालूम है, वो सरदार, चुंगी लेने वालों का सरदार, चुंगी लेने वाला ही बड़े पापी लोग हैं, वो पापी लोग थे, उनका सरदार होगा तो कितना बड़ा पापी होगा, कितना अन्याय रीति से लोगों को डांट कर क्रूर रीति से चुंगी लेने वालों का जो एक मतलब आजकल रखते हैं ना, अलग अलग क्लब रखते हैं, ये वाला वो वाला, ऐसे ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग क्लब रखते हैं, वैसे चुंगी लेने वालों का एक यूनियन, आज का शब्द में बोल सकता तो यूनियन, लेबर यूनियन, ऑफिसर्स यूनियन, ऑफिसर्स एसोसिएशन, ऐसे बोलते हैं ना, वैसे एक यूनियन चुंगी लेने वालों के लिए जो जो जरूरत है उसके लिए जो जो बात करना है, यही उनका सरदार था। लेकिन वो उनका अंदर एक अच्छा एक विचार आया। क्या विचार? यीशु मसीह के बारे में कई लोग उनको बताए होंगे, यीशु मसीह ऐसे किया वैसे किया, वो अंधे को आंख दिया, अंधा लोगों को आंख दिया, और कोढ़ी लोगों को शुद्ध किया, मुर्दे लोगों को जिलाया, कहीं वो सुना होगा। इसलिए उनको केवल देखना है यीशु मसीह का ऐसा दिखता है। वो उनका कभी भी यही इरादा नहीं था यीशु मसीह को इतना क्लोज नजदीक जाकर देखने का इरादा नहीं था, उनका पूरा जानने का इरादा नहीं था, केवल वो कौन सा आदमी अभी हमारा गांव में आ रहा है, थोड़ा देख लेंगे वो कैसे दिखता है, उनका ऊपर का ही ये विचार था। लेकिन उनका ये चीजों को लेकर प्रभु उनको मुलाकात करते हुए हम इधर देखते हैं। प्रभु को वो केवल ऐसे ऊपर देखने के लिए चाहता था, लेकिन प्रभु उनको अपने बारे में, अपना गुण क्या है, उसका प्रेम क्या है, अपने बारे में प्रकट कराने के लिए यीशु मसीह तैयार हो गए। थोड़ा थोड़ा वो आया। हम कोये पुत्र उड़ाओ पुत्र का संभव में भी हम देखते हैं, कहानी में भी जो पुत्र उड़ाओ पुत्र मन फिर कर दूर में आया था, लेकिन पिता ने क्या किया, दौड़ कर जाकर घर का अंदर आने तक इंतजार नहीं किया, दौड़ कर जाकर उनको गले लगाया। प्रभु का गुण वही है, एक पापी है, पापी को प्रभु तुच्छ नहीं गिनते हैं, पापी पाप का विरोध में प्रभु है, लेकिन पापी का विरोध में नहीं, पापी मन फिरने के लिए तैयार हो जाता है, प्रभु उनको
ढूंढने के लिए आया। इधर बोलते हैं ना, खोया गया आदम, आदम में मनुष्य लोगों को खो लिया। पिता परमेश्वर आदम को इतना अपना स्वरूप में बनाया, परमेश्वर उनका ये दिन वाटिका में रखा, कुछ कमी नहीं था उनको। और इतना ही नहीं है, पुत्र यीशु मसीह उनके साथ चलते फिरता रहा रोज। पुत्र यीशु मसीह आदि से गए, लेकिन वो मनुष्य बनकर आया। इनकार्नेशन बोलते हैं, मनुष्य का मनुष्य का रूप धारण किया, मनुष्य बनकर आया 2000 साल के पहले। उसके पहले ऐसे ही है, इसलिए आदम इब्रियोनी भाषा में, मूल भाषा में ऐसे लिखता है, आदम रोज शब्द के साथ, परमेश्वर का शब्द के साथ चलते फिरते रहा। परमेश्वर का शब्द कौन है? बच्चन यीशु है। इतना था, लेकिन वो आदम पाप करके परमेश्वर से अलग हो गया, परमेश्वर ने खोल दिया, खो लिया। इतना दुख के साथ आदम तुम कहाँ हो करके पूछ रहे, यही प्रभु इधर बोलते हैं। कोई वो उनको ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हो, आया है। और दूसरा एक जगह में प्रभु ने बताया, जो बीमार लोग हैं, बीमार लोग हैं, उनको बचाने के लिए वैद्य मेघो, उनके लिए वैद्य की जरूरत है। ऐसे परसी लोगों से प्रभु ने बोला। अभी देखिए, ये हम देख सकते हैं, कोई कोई मसीह समाज में भी कितनी बार बोलते जाए, मसीह मसीह परिवार में जन्म हुए होंगे, कितना संदेश सुनते हुए भी, कितनी बार बोलते हुए भी मन फिरते नहीं है, परमेश्वर के बारे में ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, मुझे उद्धार पाना आ गए, मुझे परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना आ गए, मेरे पापों की क्षमा मांगना आ गए। कितने लोग मसीह देश में भी, देशों में भी हम देख रहे हैं, यीशु कौन है करके पूछ रहे हैं। आजकल जवान बच्चे लोग मसीह देशों में यीशु का बारे में इरादा ही नहीं है जानने का। लेकिन ये व्यक्ति देखिए, सकई जकई पूरा थुरा उनका अंदर, तुरंत यीशु मसीह बुलाया, तुरंत उनका तुरंत वो रिस्पॉन्स करते हुए हम देखते हैं। तुरंत बोलता है प्रभु। वो क्या, ठीक है, उसको वो नाटा था, इसे देख नहीं पाया, ठीक है हम घर जाएंगे, क्या गए, ऐसे सोचा नहीं, हमको कैसे भी देखना है। इसलिए वो क्या किया, देखना तो वो भीड़ में पीछे पीछे जा रहा है, तो कोशिश कर रहा है देखने के लिए, नहीं हो पा रहा है। फिर उसको देखना तो क्या करना है, आगे लाइन में जाना पड़ेगा। आगे लाइन में जाएंगे, सब लोग क्या बोलेंगे, ए जकई तुम पापी हो, तुम चुंगी लेने वाला का सरदार, तुम हट जा, तुम क्यों इधर आया करके डांटेंगे, हंसी मजाक उड़ाएंगे। क्योंकि फर्स्ट लाइन में जाएगा तब नाटा था, इसलिए उसको यीशु मसीह को देख पाएगा। इसलिए वो सोचा, ठीक है अभी हम घर नहीं जाएंगे, अभी क्या करना है, और आगे दौड़ कर गया करके लिखा है, दौड़ कर जाकर उधर एक कुल्हर के पेड़ में, वो एक पत्ता का बीच में छुप कर वो प्रभु के लिए इंतजार किया, प्रभु कब आएंगे मैं देख सकता हूँ। प्रभु उनका उनको दूर से प्रभु देख लिया, दूर से मतलब प्रभु जानता है जके ही कौन है। प्रभु अपना प्रेम को उनको दिखाना चाहता था, वो कौन है करके उनको दिखाना चाहता था, क्योंकि वो यीशु मसीह को देखने के लिए चाहता है। कितने लोग आजकल दुनिया में, कितने लोग के गवाही हम सुनते हैं, मुसलमान धर्म से कोई कोई आते हैं, हिंदू धर्म से आते हैं, वो लोग सच्चाई को ढूंढते रहते हैं। सच्चाई क्या है, सच्चा परमेश्वर कौन है, उनको कुछ कहीं मतलब आगे बढ़ने के लिए मतलब कैसे ढूंढो कैसे जानो सच्चाई क्या है, सच्चाई कौन है, सच्चाई परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर कौन है। लेकिन प्रभु उनको दर्शन के द्वारा, सपना के द्वारा कैसे भी करके उनको अपने बारे में प्रकट कराते हुए हम देखते हैं। कोई भी धर्म में हो, धर्म सब मनुष्य लोग बनाया, प्रभु के लिए धर्म कुछ नहीं है। प्रभु एक मनुष्य का हृदय को देखते हैं, जकई का हृदय को प्रभु देखा। ऐसे कितने जकई लोगों को प्रभु, बड़े बड़े पापी लोगों को प्रभु मुलाकात किया, बड़े बड़े क्रूर लोगों को मुलाकात किया, पौलोस को मुलाकात किया। पौलोस यीशु को जानना ही नहीं चाहता था,
लेकिन उनका अंदर पौलुस कहते हैं मैं अज्ञानता से कलिशिया को सताया, इसलिए मैं अनुग्रह पाया। प्रभु देखता है पौलुस के हृदय को, देखता था शौल का हृदय का अंदर, वो अज्ञानता से वो कर रहा है। एक बार वो यीशु कौन है करके छक चुकेगा तो वो क्या क्या करेगा उनके लिए करके प्रभु जानते थे। इसलिए दमस्कस का जाने वाला रास्ता में प्रभु खुद आकर अपने आप को उनको प्रकट किया। उनके बाद में हमको मालूम है पौलुस बन गया कितने एक परमेश्वर का राज्य की उन्नति के लिए इतना काम किया, इतना पत्री लिखा, पत्रियों को लिखा है, बहुत लाभदायक हो गया। प्रभु एक एक हृदय को जानते हैं। जक्कई को प्रभु बोलते हुए तुरंत वो तुरंत तुरंत करता है, देखिए तुरंत जल्दी उतर के आओ, फिर जल्दी उतर के आ गया, बहुत खुश हो गया। उनका नाम भी पुकारता है प्रभु, किसी को नाम लेकर हम पुकारते हैं तो सचमुच में एक करीब रिश्ता को दिखता है, दिखाता है करीब रिश्ता। तब वो इतना खुश हो गया, उसका कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मैं तो प्रभु को ऐसे दूर से देखना चाहता था, लेकिन प्रभु मुझे इतना निकट बुलाया। इतना ही नहीं है, मेरे घर में आना चाहता है, मेरे साथ खाना खाना चाहता है, मेरे साथ रहना चाहता है वो पूरा। लेकिन लोग बोलने लगे, ए तू क्या ऐसे वो पापी, पापी के साथ रहने के लिए यीशु क्यों जा रहा है। तब तुरंत वो मन फिराव का फल उनका जीवन में देखते हैं हम। तुरंत निर्णय ले लिया, संपत्ति में आधा भाग, इतना ज्यादा हो सकता था, पूरा दे दिया होगा। और जिस जिसके पास, कितने लोगों के पास अन्याय रीति से, सबके पास अन्याय रीति से लिया होगा, चार गुना में बढ़कर देता वापस पूरा उनका धन संपत्ति में कई भाग गया होगा। लेकिन उनके बारे में उनका चिंता नहीं है, यीशु मुझे चाहिए, यीशु मेरा घर में आ रहा है। मैं पापी करके लोग बोल रहे हैं मैं पापी हूं, लेकिन यीशु मुझे स्वीकार किया है, मैं बदलना चाहिए करके तुरंत उनका मन फिराव का मतलब क्रिया में दिखाया। आत्मिक चीज में हम भी प्रिय भाई बहनों, हम उनके लिए मतलब थोड़ा जल्दीबाजी दिखाना चाहिए, ऐसे आलसीपन में ठीक है आज कल करेंगे परसों करेंगे, ऐसे आत्मिक चीजों को हम बात में करेंगे करके डालना नहीं है। हम आत्मिक चीजों के लिए उत्साहित होकर हम करेंगे तो प्रभु भी अपना आपको हमारा अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रकट कराएंगे। प्रभु चाहते हैं एक एक मनुष्य के साथ करीब रिश्ता रखना चाहते हैं, पापी को मन फिराने के लिए बुलाते हैं। अब यीशु बुलाता तुम्हें, भक्ति एक गीत रचाया, बड़ी चागत से तुम्हें बागों में लेने यीशु बुलाता है। उनका हाथ लंबा किया हुआ है। जो कोई यीशु मसीह को जानना चाहेंगे, कितने लोग अलग अलग धर्म से कुछ क्या गए, इसमें क्या गए, मसीह धर्म में क्या गए, हम थोड़ा देख लेंगे करके बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं, यीशु मसीह को देखते हैं, उनको स्वीकार करते हैं, कितने आश्चर्य काम गवाही को हम देख सकते हैं, कई लोगों की गवाही देख सकते हैं। प्रभु तत्पर है हमको करने के लिए, वो हमेशा तैयार है। इधर जक्कई इतना बोलते प्रभु बोला ये भी विश्वासी बन गया, अब्राहम का पुत्र बन गया है, आज इस घर में उद्धार आया करके प्रभु ने बोल दिया। जक्कई के बारे में हम ऐसे सीख सकते हैं, जो भी आत्मिक चीजों के लिए जो हम प्यासा के साथ है, भूखा के साथ है, प्रभु जरूर हमें मुलाकात करेंगे। मूसा के बारे में हम देखते हैं, मूसा पुराना नियम में मूसा बोलता है प्रभु मैं आपकी महिमा को देखना चाहता हूँ। मूसा क्या सोचा होगा, मूसा को परमेश्वर को वो कैसे दिखता है, उनका महिमा क्या है वो देखना चाहता था। लेकिन परमेश्वर ने उनको क्या किया, उसको एक
चट्टान के बीच में रखकर, एक जगह था उधर रखकर प्रभु ने क्या किया, अपना गुणों को बताते हैं, मैं दयालु हूँ, कृपालु हूँ, मेरे से प्रेम करने वालों को हजार पीढ़ी तक मैं उनके लिए करने वाला हूँ, सब कुछ आशीष करने वाला हूँ, मुझे बाहर करने वालों को केवल चार पीढ़ी तक दंड देने वाला हूँ। अपने बारे में प्रभु मूसा को प्रकट कराते हैं। प्रिय भाई बहनों, प्रभु को जानने के लिए हमारा अंदर थोड़ा भी हमारे लिए एक भूखा प्यासा रहेगा, जरूर जरूर प्रभु ज्यादा से ज्यादा अपने बारे में हमें प्रकट करेंगे। इतना हम देखते हैं पौलुस को, प्रभु उनको जानकारी ने अज्ञानता से किया, प्रभु उनको मुलाकात किया, अपने बारे में उनको प्रकट कराया। हमेशा खोजने वालों को प्रभु जरूर दिखाई देता है, खोजने वालों को प्रभु दिखाई देते हैं। इधर जकई तो बागर रीति से देखना चाहता था, लेकिन प्रभु इतना उनका जीवन में इतना आश्चर्य काम किया, प्रभु उनका कौन है, पापी को माफ करने वाला, पापी को प्रेम देने वाला, और उनके साथ एक करीब रिश्ता में आने के लिए चाहत करने वाला परमेश्वर करके उनका जीवन में परमेश्वर ने उनको अपने बारे में प्रकट किया है। हमारा परमेश्वर कितना अच्छा है। हम ऐसे ही न रहें, कोई कोई लोग 10 साल कलिशिया में आएगा तो भी कुछ भी 10 साल के बाद में भी फिर वापस चले जाएंगे, कुछ समस्या आएगा तो क्या आ गए ऐसे करके चले जाते हैं, 10 साल के बाद में भी चले जाते हैं। कोई कोई लोग, मैं एक बहन की गवाही बोलना चाहती हूँ, एक बहन थी हमारे घर में, अब कलिशिया में गए, अच्छा सुसमाचार का काम करने वाली बहन है, वो पहले उनका पति थोड़ा उनका मगज का समस्या था, मेंटल समस्या था, इसलिए वो क्या किया, वो बहुत एक झोंपड़ी में रहती थी, कहीं इलाज इधर उधर जाके किया, कुछ तंत्र मंत्र करके देखा, कुछ भी नहीं हुआ। तब लोग बोले इधर एक गांव का अंदर मसीह लोग मीटिंग चला रहे हैं, तुम उधर लेके जाओ, तुम्हारा पति को चंगाई हो जाएगा। तब वो बहन बहुत खुश हो गई, ये जकई जैसे ही है। तुरंत वो क्या किया, तुरंत वो अपना जो जो पहले जो जो पूजा पाठ किया, सब देव देवता जो जो मूर्ति सबको एक बैग में डाल के अलग करके रख दिया, जाने के कलिशिया में एक बार भी जाने के पहले ही कर दिया, देखिएगा। और एक बार भी कलिशिया में नहीं आई थी तब, ऐसे किया, पूरा तैयार होकर पूरा इधर गांव में एक एक लोगों से रोड में बैठ के पूछते रहे, मसीह लोग कहाँ मीटिंग चलाते हैं, तब तो कहीं किसी को भी पता नहीं चला। तब तो फिर घर वापस चली गई उदास के साथ, अगले दिन में आकर पूछी, ऐसे ऐसे पूछ के कोई बता दिया, वो झोंपड़ी में वो लोग चला रहे हैं। तब तुरंत आ गई, आने के पहले ही साफ अलग करके रख कर आ गई, प्रभु उनके लिए काम किया, आज भी कलिशिया के लिए आशीष का कारण बन रही है। तुरंत सब छोड़ दिया, यही जकई का समान वो भी किया, तुरंत सब, तुरंत मन फिराओ, तुरंत जो भी ये करना है, तुरंत जो जो दाम चुकाना है तुरंत चुका दिया। समाज का समाज में सब लोग बोलिए बोल दिया होगा ना, उनको तो बोला बोले होंगे, और परिवार में कितने बैर भाव ओसागन किया, निंदा अपमान, फिर भी पहले दिन ही कदम रख दिया, अभी मैं इधर जाऊंगी, कोई भी कुछ भी बोले मुझे परवाह नहीं है। ऐसे लोगों को प्रभु ढूंढते हैं, उन लोगों को आशीष प्रभु देते हैं। इतनी बार बोलते भी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है, ऐसे लोगों को प्रभु भी क्या करेंगे। वो लोग ऐसे जिंदगी में जाते 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 फिर आखिरी समय में मौका ही नहीं मिलेगा, और मन कठिन हो जाता है, आखिरी होते होते बुढ़ापन में मन कठिन हो जाता है, अभी क्या है, मैं जाऊंगा तो प्रभु अब मुझे स्वीकार करेगा क्या, नहीं करेगा। कहना तो यही, एक बहन के बारे में बता रहा था, वो बहन 90 प्लस
90 से ज्यादा हो गई उनका उम्र हो गया, वो मृत्यु होने ही वाला था। तब ये सेवक जाकर बता रहा है, प्रभु दयालु है, कृपालु है, माँ जी आप थोड़ा प्रभु से माफी मांगिए, आप मरने वाले हो, अभी आपको नरक में ही जाना पड़ेगा, माफी मांगिए, प्रभु दयालु है। लेकिन उसका दिन इतना कठोर हो गए, नहीं नहीं साहब, मैं अभी प्रभु के पास नहीं आ सकता हूँ, प्रभु कितनी बार मुझे, कितने सेवक लोगों के द्वारा बताए, जवानीपन से मेरे से बात किया, लेकिन उस सबको मैं इनकार कर दिया, अभी मैं कैसे आ पाऊँ, मैं अभी जा मरने वाला हूँ, मरने वाली हूँ, अभी मैं ऐसे नहीं कर पाएगी, ऐसे करके उनका मन में इतना प्रभु के पास आने के लिए उनको मन नहीं दिया, उनको मन में डर आ गया, नहीं आया, ऐसे मरकर नरक में गई। ऐसे न रहे, जब भी प्रभु हमें बुलाते हैं, जवानीपन में बुलाते हैं, कभी भी बुलाते हैं, कुछ करने के लिए बोलते हैं, प्रभु अपना आपको प्रकट करना चाहते हैं, तब हम तैयार रहे, प्रभु मैं आ रहा, मुझे आप प्रभु प्रकट कीजिए, आपके बारे में जानने के लिए मुझे मदद कीजिए। प्रभु को जानते 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 हम भी यीशु जैसे बन जाएंगे, यीशु का गुण हमारा अंदर भी प्रकट होने लगेगा, हम भी यीशु जैसे चाल चलन हमारा भी हो जाएगा। प्रिय भाई बहनों, इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष करें, आमीन।